क्या मन के मांगी है क्योंकि प्रदेश के अंदर उत्तराखंड माँ गंगा के आशीर्वाद से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक ऐतिहासिक काम हुआ है। एक मिथक टूटा है, दो तिहाई बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। तो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आया था, आज चूंकि ये काम फिर से शुरू हुआ है, प्रदेश हमारा आगे जाए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक हो, हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार के विघ्न जो भी रास्ते में आते हैं वो सब समाप्त हों, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए मैं शपथ लेने के तत्काल बाद, और पिछली बार भी मैं यहाँ आया था और इस बार भी यहाँ आया हूँ, माँ गंगा के आशीर्वाद से आगे हमारा प्रदेश आगे जाएगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। सर, जिस तरह से 6 महीना काम किया है, क्या 5 साल, जिस तरह से आगे आगे किस तरह से रहेगा? देखिए, जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हमारा लक्ष्य है विकल्प रहित संकल्प, सरल सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र, इसको लेकर हम चले हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। समाज के अंतिम छोर में, उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक, रहने वाले हर जनगण मन तक अपना शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए हम काम करेंगे। हरिद्वार को मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल किया गया? चलिए, ये बात बात की।